नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आज देश विदेश से कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की पहली ताजा बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के। सियासी घमासान के बाद गुजरात कांग्रेस में खलबली मची हुई है। विधायकों के टूटने की आशंका बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 15 से ज्यादा विधायकों को गुजरात से बाहर ले जाएगी। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। सियासी उठापटक के बीच बीजेपी ने राज्यपाल से मांग की है कि 16 मार्च से पहले वीडियोग्राफी के साथ फ्लो टेस्ट करवाया जाए। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है महंगे होंगे मोबाइल फोन। जीएसटी दरें 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। मोबाइल फोन खरीदने के लिए अब आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। दरअसल जीएसटी काउंसिलिंग ने मोबाइल फोन और कुछ खास पुर्जों पर जीएसटी दर को बढ़ाकर 18% करने को मंजूरी दे दी है। पहले यह दर 12% थी। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है सरकार ने कोरोना वायरस को राष्ट्रीय आपदा घोषित की है। मरने वाले लोगों के परिजनों को सरकार 4 लाख रुपए देगी। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। SBI ने बचत खाते पर ब्याज दरें घटाने का फैसला किया है। बैंक की ओर से जारी बयान के मुताबिक खाते में जमा 1 लाख रुपए पर अब 0.25% कम ब्याज मिलेगा। SBI के इस फैसले से 40 करोड़ ग्राहकों पर असर होगा। भारतीय स्टेट बैंक ने बचत बैंक खातों पर अपनी ब्याज दर को तर्क संगत बनाते हुए सपाट 3% सालाना कर दिया है। इससे पहले 1 लाख रुपए से कम बचत खातों पर सालाना ब्याज दर 3.25% था। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है भारत में कोरोना वायरस से दूसरी मौत हो गई है। इस बार दिल्ली में कोरोना वायरस से मौत हुई है। इससे पहले कोरोना वायरस से कर्नाटक में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। देश में अब तक कोरोना वायरस से 83 मामले सामने आ चुके हैं। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है भारतीय मौसम विभाग से। देश की राजधानी दिल्ली में बदला मौसम है, बारिश के साथ ओले भी गिरे। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। हालांकि जम्मू कश्मीर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश है और हिमपात कुछ स्थानों पर जारी रहने की संभावना है। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में भी गरज के साथ बौछारें गिर सकती है। झारखंड छत्तीसगढ़ और बिहार में भी तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि के साथ मध्यम बारिश के आसार है। असम और नागालैंड में भी छिटपुट बारिश होने की संभावना है। मेघालय मध्य प्रदेश ओडिशा तमिलनाडु उत्तरी राजस्थान पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है अमित शाह ने कहा कि 2024 तक हर संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित हो। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है फारूक अब्दुल्ला से मिले गुलाम नबी आजाद। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करने की मांग। अब्दुल्ला को 7 महीने से अधिक समय तक नजरबंद रखने के बाद शुक्रवार को रिहा किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से प्रस्तावित सार्क सदस्यों के वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होने को लेकर पाकिस्तान यहां भी भर दिए। वायरस के चलते दुनिया भर में 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 सदस्यों के क्षेत्रीय समूह से शुक्रवार को संपर्क किया और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कराने की राय दी ताकि कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मजबूत रणनीति तैयार की जा सके। पाकिस्तान ने मोदी के प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और कहा कि वह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए तैयार। उसने माना कि घातक कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न खतरे को कम करने के लिए समन्वित प्रयासों की जरूरत है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहा कि पेट्रोल 39 रुपए करे मोदी सरकार। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राव चंदा ने दिल्ली में डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी लाने की मांग की है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों में आई गिरावट का फायदा आम लोगों को भी मिलना चाहिए। इस हिसाब से दिल्ली में पेट्रोल 40 रुपए और डीजल की कीमत 31.58 रुपए प्रति लीटर होनी चाहिए। अगली ताजा बड़ी खबर येस बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। 18 मार्च से हट जाएगी खाते से पैसा निकालने पर लगी रोक। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि येस बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने अधिसूचना जारी कर बताया कि बैंक पर पिछले दिनों तय की गई 50,000 रुपए निकासी की सीमा को 18 मार्च से हटा लिया जाएगा। 18 मार्च शाम 6 बजे के बाद ग्राहक अपने खाते से सामान्य लेन देन कर सकेंगे। अगली ताजा बड़ी खबर है सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। 1,574 रुपए तक सस्ता हुआ सोना। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 1,574 रुपए कम हो गया। सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 42,600 रुपए हो गई है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात के कांग्रेसी विधायकों को भी राजस्थान लाए जाने की तैयारियां हो रही है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक गुजरात के 20 विधायकों को रविवार को शाम 8 बजे जयपुर लाए जाने की तैयारी है। राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार को हाईकमान सबसे सुरक्षित मानकर चल रहा है। इसके कारण जिस भी राज्य में सियासी संकट के चलते विधायकों को सुरक्षित करने की बारी आती है तो राजस्थान की बात की जाती है।
राजस्थान इस वक्त मध्य प्रदेश और गुजरात कांग्रेस के लिए ट्रबल शूटर की भूमिका में है।